अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने आगामी 7 जून को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना की चेतावनी दी है। शनिवार को जिला महिला चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट एवं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने कहा कि हमारी समस्या 4-5 महीने पहले से चल रही है। जनपद के फार्मासिस्ट इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित हैं। कई पत्रक दिया जा चुका है, इसके बाद भी मांग नहीं मानी जा रही है। डिप्लोमा फार्मासिस्टों का एक दिवसीय धरना 7 जून को सीएमओ कार्यालय पर करने जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर उमेश पांडे ने कहा, मैं उमेश पांडे, चीफ फार्मासिस्ट जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर तथा अध्यक्ष डीपीए गोरखपुर। किन मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए आप लोग गोरखपुर में, क्या मांग है? हम लोगों की मांगें बहुत पुरानी लंबित हैं। लगभग 4-5 महीनों से सीएमओ को ज्ञापन दिया जा रहा है, उनसे वार्ताएं भी हो रही हैं, लेकिन वो सुन लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो हम लोगों के जो डीलिंग क्लर्क हैं बाबू, पता नहीं किस वजह से उनको भरमा देते हैं, जिससे वो लंबित हो जा रही है। और वह जायज़ मांगे हैं, कोई ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा हम लोग मांग रहे हैं, जिसमें अस्थायीकरण की समस्या है, 2 साल के बाद अस्थायी हो जाना ये राजाज्ञा है। जिस न्यू पीएससी पर जहाँ जहाँ फार्मासिस्टों का आवास बना है उसमें रहने लायक नहीं है, तब भी उनसे आवास काटा जा रहा है, बिजली केबल जबरदस्ती लिया जा रहा है, उस आवास में बिजली और पानी की सप्लाई जबकि नहीं है, तब भी उससे जो है उनका आवास आवासीय भत्ता नहीं दिया जा रहा है, उनका जबरदस्ती आवास काटा जा रहा है तथा बिजली केबल दोनों लिया जा रहा है। वो प्रताड़ित हैं, इस बिंदु को लेकर कई बार उनसे मिल चुके, लेकिन वो जो है टाल मटोल करते जा रहे हैं। पूरे जनपद के फार्मासिस्ट आक्रोशित हैं, बाध्य होकर के हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें 7 जून को हम लोग पूरे जनपद के लोग सीएमओ ऑफिस के सामने अपना एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर नहीं मांगे, धरना के बाद भी वो हम लोगों की मांग नहीं मानते हैं, तो पूरे जनपद के सभी फार्मासिस्ट स्ट्राइक पर चले जाएंगे।